अच्छा, मैं इसी पे काम कर रहा था, तो यहाँ पे आप देख लें, ये इसका ये ओरिजिनल वेबसाइट है। वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ? नहीं, अच्छा, तो इसका ये है कि ये वो वेबसाइट है, ठीक है, जो जिसको हम कॉपी कर रहे हैं। तो इसका डिज़ाइन ये है, यहाँ तक, यहाँ स्टोरी तक, यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं बैठ के वही काम कर रहा था, तो आपके मैसेज आए। तो जो मैं बना रहा हूँ वो ये है, ठीक है। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसकी जो नैव बार है वो बिल्कुल राइट पे है, मैंने इसको सेंटर में रख दी है। और आपका जो इसका लोगो भी इधर है, हमारा लोगो भी इधर है, थोड़ा सा लेफ्ट पे हो गया है, यहाँ पे हमारा अपना लोगो आ जाएगा। बाकी उसके नीचे जो ये वाला डिज़ाइन है, इसका बैकग्राउंड आप देखें, तो इसका बैकग्राउंड इधर से मतलब ब्लू से वाइट इस तरफ है, और मैंने ब्लू से वाइट इस तरफ रख दिया इसको। और यहाँ पे उसने कलमा एक इमेज लगाई हुई है, और यहाँ पे मैंने बिस्मिल्लाह की इमेज लगाई हुई है। इसके नीचे उसने अपना एक फ़ॉन्ट यूज़ करके यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन की है, मैंने अपना फ़ॉन्ट यूज़ करके यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन कर दी है। और उसके बाद यहाँ पे उसने ये लिखा है, वेलकम टू क्रॉन ट्विटर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू ऑनलाइन क्रॉन सेंटर। और बाकी उसकी टैग लाइन है ये, और इसी तरह मेरी टैग लाइन ये रखी है। इस तरह इसके इसने बटन्स पे आउटलाइन लगा दी है, यहाँ पे वाइट रखा है, तो यहाँ पे मैंने बटन्स को वाइट रखे और ब्लैक रखा है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए तो उसने लोएस्ट फी एवर ये डिज़ाइन रखा है, मैंने भी उसी को ऑलमोस्ट कॉपी की है, ठीक है। यहाँ पे उसने उसका फ़ॉन्ट और है, और कलर स्कीम भी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मेरा ब्लू इस तरफ है, और ये जो थोड़ा सा जामनी कलर है वो इस तरफ है, तो इसका जामनी इस तरफ है, मेरा इसका ब्लू इस तरफ है, और फ़ॉन्ट भी इसका चेंज है। तो अच्छा, उसके बाद नीचे वी व्हाट वी टीच, तो इसने इसके तीन सेक्शंस हैं, मैंने भी वही सॉरी, हाँ ठीक है, उसके ये तीन सेक्शंस हैं ये वाले ब्लू में, और मैंने भी वही तीन सेक्शंस रखे हैं, तीन ब्लू वाले। और यहाँ पे हमारी अपनी इमेजेस आ जाएगी, इमेजेस हम बाद में चेंज कर लेंगे, इनके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है ये भी बाद में चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएँ तो वाई वे एस का हमारे पास सेक्शन है, तो हमारे पास ये मैंने बनाया है, इसका बिल्कुल सेम वही कलर स्कीम वही है। यहाँ पे इमेजेस हम अपनी लगाएंगे, और इसके जो नीचे जो कुछ लिखा हुआ है वो भी हम थोड़ा बहुत अपने मुताबिक चेंज कर लेंगे। और उसके नीचे इसने कॉन्टेक्टर्स का ये कुछ बनाया साइन अप फॉर्म, तो मैंने कॉन्टेक्टर्स का ये साइन अप फॉर्म उसी को थोड़ा सा कॉपी किया है, तो ये इसका बनाया है। तो इसमें उसके नीचे फिर ये है स्टोरी, उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है, ठीक है। फ़ॉन्ट डिफरेंट है उसका, और इसने इसका अटैच कर दिया है, मैंने भी वही चीज़ कॉपी की है, थोड़ी सी फ़ॉन्ट इसका डिफरेंट है, और बटन ये है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी वेबसाइट है। तो उसके नीचे अभी मैं फ़िलहाल काम कर रहा हूँ, तो यही थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं, ये हमें रखना ही पड़ेंगी। मे बी कलर स्कीम भी थोड़ी बहुत हमें चेंज करनी पड़े, लेकिन स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारा यही होगा। इस तरह मैं आपको बता रहा था कि इसके जो बाकी पेजेस हैं, तो इस पे इतना कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, सिंपल है। तो इसका साइन अप फॉर्म है ये वाला, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंशाल्लाह इससे प्यारा होगा और अच्छा होगा। तो बाकी आप मुझे कंफर्म कर दें कि काम मतलब ये सही है, इस तरह हो पड़ा डिज़ाइन, क्योंकि फ्रंट साइड है तो ये आप एनालाइज कर सकते हैं इसको।